बीमार है बाहर गाँव, मतलब कोई जगह का नाम है या फिर जाम में आज पता चला मेरे को सब लोग इतना बाहर गाँव क्यों जाते हैं तो बाहर गाँव तो मेरे बगान की कोई जगह का नाम है वहाँ पे घूमने के लिए DMS उसको बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं देखना आपको क्या लगता है ये वाला टेस्ट मैच कौन जीतेगा उनकी लीड थी लास्ट में जो रूट के बाद भी किसी को आउट नहीं करता तो क्या फायदा जो रूट का आउट करने तो अकेली खेले गए ग्यारह के बदले क्या ऐसे ही करता है वो मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर क्लिक एक्चुअली जहाँ पे होता है ना उसका थोड़ा तो डोमिनेटिंग होता है माय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट चिंटू खोलो प्रशांत खोलो बोलो जगह लैपटॉप लेके आए हो क्या है इधर सामान लगा सकते बस एक ही याद रखने की देखना एस एन टू ऐसा होगा ना कुछ एस एन वन में ध्यान देना एस एन वन रिएक्शन ऐसे चलती है मतलब न्यूक्लियोफाइल आता है न्यूक्लियोफाइल तभी आता है जब कार्बोकैटायन बना रहता है ठीक है न्यूक्लियोफाइल तभी आएगा जब कार्बोकैटायन बना होगा इसमें क्या होगा कार्बोकैटायन बनने का इंतजार नहीं करेगा ये डायरेक्ट उसके घर पे जाता धमकेगा जैसे मान लो ना अगर आप तेरे पास क्या था एस एन वन लिखना नहीं है भाई तो एस एन वन में ऐसा था नहीं यार पहले तुम लोगों ने कार्बोकैटायन बनाया उसके बाद लगाए ना यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बनने का इंतजार किया ना तुम लोग तब जाके ओएच माइनस इस पर अटैक किया लेकिन एस एन टू में ऐसा नहीं होगा मान लो ये कार्बन है एक हाइड्रोजन है यहाँ पे एक डॉटेड भी लगा दिया हाइड्रोजन और एक सॉलिड वाला इन्वर्शन भी होता है हाँ भाई और इधर कोई भी एक लिविंग ग्रुप लगा दिया एक्स ठीक है और यहाँ पे OH- माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल है तो अब ये क्या करेगा ना कि जो एक्स है ना उसका निकलने का इंतजार नहीं करता है ये डायरेक्ट इस कार्बन पे अटैक करता है तो आप सोचो ये तो तभी ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ वो कंडीशन तभी सेटिस्फाइड करेगा जब ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो अरे समझ में अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो पहले तो कार्बोकैटायन बनने देगा ना उसके बाद आएगा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो सीधा इस कार्बन के पास पहुंच जाता है तो मान लो इन चारों में जैसे इस कार्बन के पास पहुंचेगा कार्बन को नहीं चाहते हो इसको तो निकालना पड़ेगा ना ठीक है देखो यहाँ पे कार्बन है तीन हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन लगाया ना सीएल लिविंग ग्रुप है ये बाहर निकलने की टेंडेंसी में मैंने बोला ये कार्बोकैटायन बनने का इंतजार नहीं करेगा OH- जो है ना डायरेक्ट इसके ऊपर जाकर अटैक करता है जब ये इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा तो सीएल यहाँ से निकल जाएगा अरे समझ में जैसे मान लो ना ये ऐसा है और SN2 की सबसे खास बात होती है ना
कि आगे की तरफ से अटैक नहीं कर पाता। देखो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब यह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा और यहाँ पे हैलोजन ग्रुप होंगे तो इन दोनों में रिपल्शन चलेगी ना, तो रिपल्शन की वजह से आगे से अटैक करना पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर वो क्या करता है, पीछे की तरफ से अटैक करना स्टार्ट करता है। पीछे की तरफ से क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ऐसे आगे की तरफ से नहीं, दूसरी साइड से OH माइनस जो है ना, जैसे ही कार्बन की तरफ एक स्टेप लिया तो ये भी एक स्टेप बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। जब ये सेकंड स्टेप तो ये निकला, फिर आगे बढ़ा, फिर ये निकला, फिर आगे बढ़ा, ये निकला, ऐसे करके जब इसके पास पहुंच जाएगा तो 50% के साथ ये भी अटैच होगा, 50 के साथ ये भी। अब जैसे जैसे धीरे धीरे ये कंप्लीट इसके साथ लगना स्टार्ट होगा तो ये तो ट्रांजिशन स्टेट होगा ना, इंटरमीडिएट नहीं बोल सकते, ट्रांजिशन स्टेट। अब जैसे ही OH यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, ये तो निकल जाएगा, और ये वाला जो डॉटेड वाला पोजीशन होता है ना वो चेंज हो जाता है, चेंज इन द सेंस मतलब वो उल्टा एक्शन हो जाता है, यहाँ पे इस साइड आ जाएगा और नीचे डॉटेड पे क्या आ गया, एच, इधर क्या आ जाएगा, OH माइनस, ठीक है। तो एक ना SN2 की सबसे खास बात है, मान लो आ रहा है और SN2 हुआ है तो SN2 होने के बाद S हो जाएगा, मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है SN2 हुआ तो S हो जाएगा, अगर S है तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। आया समझ में, तो ये नोट करो पहले। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट था, मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, ये तो करेगा ही नहीं ना, क्योंकि कार्बोकैटायन बनने का मौका ही नहीं दे रहा। It is a signal state reaction. Therefore, order and molecular it is 2. 2? 2, SN2. It is a signal state reaction. It is a single state reaction. Therefore, order and molecular it is 2. In second point, in SN2 mechanism, in properties, properties, in SN2 mechanism, inversion product is formed. Inversion, पीछे से अटैक करता है उसको इन्वर्जन बोलते हैं, आगे जो अटैक करेगा उसको रिटेंशन बोलते हैं। जैसे D और L समझते हो ना तुम लोग, D वाला एक इन्वर्जन हो गया, L वाला किसी मात्रा में रिटेंशन, D और L को मिला देते हो तो क्या बन जाता है, रेसमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे भी रिटेंशन इन्वर्जन मिला दोगे तो रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा। याद रखना है SN2 में हमेशा क्या होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट होने का, मतलब पीछे से अटैक होगा। SN2 में के नीचे इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्मड।
पॉइंट क्या है? फर्स्ट सिंगल, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, देयरफॉर ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी इज जीरो. इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, देयरफॉर ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी इज जीरो. देखना जो SN1 होगा ना उसमें रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी. रिटेंशन करने का मतलब आगे से भी जाएगा पीछे से भी जाएगा, ठीक है? आगे से भी जाएंगे और पीछे से भी जाएंगे, तो SN1 में दोनों बनेगा, रिटेंशन इन्वर्जन. बट जो SN1 होगा ना उसमें क्या बनेगा हमेशा? इन्वर्जन. तो SN1 में जब मैंने बोला रिटेंशन इन्वर्जन दोनों बनेंगे तो रेसमिंग मिक्सचर बन जाएगा, लेकिन SN2 में नहीं बनेगा. अगला पॉइंट इन SN2 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन रेसमाइजेशन विल टेक प्लेस. रेसमिंग मिक्सचर रेसमाइजेशन विल टेक प्लेस, but in case of SN2 reaction, but in case of SN2 reaction, 100% inversion take place, 100% inversion take place. Okay. In case of SN2. In case of SN2, 100% inversion takes place. Okay, point. जब SN1 हो रहा है ना SN1, तो retention भी बन रहा है, inversion भी बन रहा है. और मैंने बोला retention inversion अगर same हो गया तो उसको rhythmic बोलेंगे. डिगा बेल इक्वल होता है तो रेसमिक बोलते हैं, ठीक है? अब SN1 में ना होता ही है ना कि इन्वर्जन वाला थोड़ा सा ज्यादा होता है, किससे? रिटेंशन. ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो ना ये आगे पीछे की बात कर रहे हैं अपन, मान लो इसके लिए आगे से भी अटैक करना फेवरेबल है और पीछे से भी. तो आप सोचो ना कि ये 49-49 दोनों में हो चुका है, 49 आगे से और 49 पीछे. समझ में आ रहे हैं? अभी भी 2% बच रहा है, 49-49 हो चुका है. ये 49.5 ले लो, 49.5 अभी 0.5 बच रहा है. जब ये CL निकलेगा तो आगे की तरफ से ही निकलेगा ना, तो थोड़ा बहुत आगे वाले को अटैक करना डिस्टर्बेंस होती है, उतने देर में पीछे वाला आगे लग जाएगा ना. समझ में आ रहा है? थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा ज्यादा होता है, तो ध्यान रखना. ये भी थोड़े पॉइंट ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि 100% होता है या नहीं होता, तो एग्जैक्टली 100% नहीं होता. देख लो अगला पॉइंट, इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन द परसेंटेज ऑफ इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज, इन केस ऑफ SN1 reaction, the percentage of inverted product is, inverted product is slightly greater than retention product, slightly greater than retention product, but mixture is known as racemic mixture, but mixture is known as racemic mixture. ऐसे चालू तो कर लिया, थोड़ा कम करो. 24 करो, 27 कर दिया रखा. नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड रिमोट का के पास. या अगला पॉइंट में ऐसे लिखना, रेट ऑफ एसिड नहीं है सर, किस्म है केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, नहीं केमिकल नहीं. जहां पे आप चलते आ रहे हैं वहीं पे अगला पॉइंट जो आएगा ना उसमें लिखना रेट ऑफ. अच्छा ये फिफ्थ वाला इसमें, हां रेट ऑफ SN2 जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ 2-3 कार्बोकैटायन है. SN1 में उल्टा होता है. नहीं अल्काइल है. हो गया, चलो अगला 24 का 24 का लाला. थोड़ा आएगा और कम कर दो, कर दे ये कम किए तूने तो लॉक किए फैन कम कर दिया.
अगला पॉइंट है इसमें पॉइंट रेट ऑफ एसेट टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये लिविंग ग्रुप की बात करें तो दोनों के लिए सेम है ना, वहाँ पे भी जितना ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। निकलने वाला ग्रुप जितना ज्यादा बेटर होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ एसेंट टू होगा। हो गया अगला पॉइंट है हाइड्रोजन एटम इज वो डायरेक्टली अटैच नहीं होगा किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखना बिल्कुल। अगर ना यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे सीएल लगा है, सी एच थ्री है, एच है, एच सी एच थ्री इथाइल, मैंने बोला ओ एच माइनस है और ये एस एन टू हो रहा है, ठीक है, ओ एच माइनस और एस एन टू हो रहा है। या वो ले लेते हैं NaI और एसीटोन, जो फिंगर स्टीन रिएक्शन तुम लोग पढ़ते हो ना, वो एसन टू मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो करेगा क्या ना, सीएल इस साइड से तो इस साइड से अटैक नहीं करेगा, वो किधर करेगा, पीछे वाले साइड से करेगा। जो पीछे वाले साइड से करेगा ना, तो देखना यहाँ पे इधर क्या के लग जाएंगे, आयोडी इधर, एच बाकी जो जैसे है ना वैसे। अगर मान लो ना उस वाले एग्जांपल में यहाँ पे सी एच थ्री लगाते हैं, यहाँ पे एच, यहाँ पे सी एल, ठीक है, लिविंग ग्रुप सीएल बेटर होगा कि एच बेटर होगा? वो एच तो निकलेगा ही नहीं है, तो बेचारा ऐसे फालतू को बढ़ा देते हैं। नहीं पूछे तो ये लिविंग ग्रुप है एच और इथाइल। अब यार ऊपर है तो ये ऐसा नहीं कि इसको नीचे टिपका दोगे, समझ में आ रहा है, नीचे इसलिए नहीं टिपका सकते ना क्योंकि इस कार्बन से ये सीएल लगा है। अगर तूने यहाँ पे वो आइसोटोप दे देगा, इस पे स्टार लगा दिया इसका, नहीं तो ऐसा नहीं कि इसको ऊपर भेज देना नीचे लगा देना आईडी, तो गलत हो जाएगी। तो इस टाइम पे क्या करना है आपको, ऐसे लिखना है। आपको पता है जब सिंगल इंटरचेंज करते तो आर का एस हो जाएगा, ठीक है, और एस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो एक इंटरचेंज करके तो लिख ही सकते हैं अपन, एक इंटरचेंज, मतलब एक इंटरचेंज कर रहे हैं तो अपन यू समझ रहे हैं ना कि देखो यहाँ पे पहले ये वाला जो कंपाउंड है ना, अगर इसको तुम डबल इंटरचेंज करोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा ना, आर है तो आर ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे सीएल ले लिया, यहाँ पे एच लिया तो सी एच थ्री लगा दिया और एच, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे एच और यहाँ पे इथाइल, दोनों में डबल इंटरचेंज कर सकते हो? नहीं, दोनों सबने को मतलब ही नहीं है ना यार, इस पे लगा ना लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप तो देखो एक बार इसको इंटरचेंज किया ना यहाँ पे, फिर जो यहाँ पे एच आया उसको सी एच थ्री के साथ, तो ऊपर वाला कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है ना, आर होगा तो आर ही रहेगा। अब जब तुम मैंने आई एसीटोन लगाओगे तो सीएल की जगह आ जाता है, तो सी लेकिन अब फिर आगे से अटैक करेगा। अब आयोडीन यहाँ पे आएगा ना, और पीछे इधर एच आएगा, इधर सीएच थ्री, इधर एच और इधर इथाइल ऊपर सीएच थ्री, लेकिन तेरे को ना ये वाला नहीं देगा, वो ये लिखेगा और इसके ऊपर डायरेक्ट ये बना देगा। तो अब देखते रहो भाई यहाँ से कौन गया, वो मन में नीचे जाना भाई।
नीचे के नीचे ज़्यादा ठंड लगे तो पलटे निकाल के तू बता दे हमको उससे ठंडी लगेगी यार बेंच के नीचे बैठ जा रहा हूँ तुम तो ऐसा लग रहा सिंगल रूम हो गया हो इधर पढ़ाई करने के लिए आया हूँ मुझे नहीं नोट क्या करता है ये करना वो करना और क्या करना है तुमने कुछ नहीं किया अभी अभी तो कहानी मुंह मारा थक गया यहाँ से आ जाते हैं सपना खत्म हो गया तेरा अभी तो इसी एज में मेरे से बहुत जंग जीतनी थी मार्मी कुछ इसलिए पढ़ाई कर रहा अभी ना ये पहले से जीत रखे हो तुम सुबह तक लिख लोगे ना जाऊं भी अभी शाम तक तेरे को रात का इंतजार रहता है बोले शाम तक रात को जरूर सर जीओसी का ही ले लो ना अभी जो पढ़ा है इलेक्ट्रो की टेस्ट भी नहीं हुई तो पहले डीसीटी देते फिर बोर्ड हां वही है कि प्रीमियम का स्टार्ट भी नहीं किया है आ तो तेरी घर पे नहीं किया ना तो जीओसी का ले लो ना वो तो तूने किया है तो बोलते हैं घर पे आके पढ़ा के जाता मैं तुम ही बोलो सर आपको रोज से कैसे पढ़ता सर घर तो फिर भी का बिहार कैसे जाते रोज क्यों बिहार गुजरात वाले अपने बिहार नहीं जाते रोज अप डाउन दो महीना सर इस बार तो थोड़ा दिन और रहते तो जेई का जो पहला पेपर होता है वो निकल जाता जनवरी वाला दो महीना एक महीना वो खाली रात का टाइम ही गिनता है अच्छा इसीलिए बोल रहा है दूसरा एग्जाम्पल ऐसा है मैंने बोला कि OH- है ये SN2 है
तो जब भी आके ओएच चिपकेगा ना तो हमें से सॉलिड वाला लाइन पे इसके अपोजिट डायरेक्शन से होगा ना डॉटेड का अपोजिट सॉलिड सॉलिड का डॉटेड है अगर मैंने इसे भी बोल देता कि ओएच माइनस है लेकिन फॉलो कर रहा है SN1 को तो डॉटेड पे भी आता और 50 दोनों डॉटेड पे 50 सर तो साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन कैसे हो गया तो हो जाएगा ना ये तो अपने हाथ में है ना कौन कहां से क्या गया नोट करो बहुत मारा मुझे पूरा बोल तो फिर इतना मरवाने की क्या जरूरत बोल अब रुक के तेरे वैसे मतलब जीटू गरीब सौ क्यों है सही में मारा मुझे तो मैं भी वही बोल रहा हूँ इतना मरवाने की क्या जरूरत तुम बोल सकते थे ना भाई बस हो गया बोला तो भी मारा आगे वाला ज्यादा एक्साइटेड होगा सामने वाला कौन सा वो तो जान ही नहीं सर अभी भी पीछे हैं पीछे वाली क्लास आगे आ जा देखना ही नहीं अभी फर्स्ट ईयर की क्लास नहीं चल रही है ये तो मतलब वो इंट्रोडक्शन में से हो जाती है क्लास में तो इससे भी अवेलेबल पे बात होगी अभी देख मैं नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा है एक क्वेश्चन दे रहा हूँ CH3CH2 हाँ सिर्फ पहले ये IIT पूछा गया है आपको बताना है SN1 का SN2 का ऑर्डर ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं यार ये अच्छा बस नहीं एक में बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया अब तुम लोग को देखना है नाम बोलने वाला आ गया ना हाँ ऐसे ना बताना सब तो वो 3 degree 2 degree 1 degree हो जाता SN2 बताओ ये कौन सा इफेक्ट है ये वो मिथाइल ये उसका सब्स्टिट्यूशन होगा हेलो फॉर्म मिथाइल कीटोन वाला हेलो फॉर्म पर रहेगा मैंने बोला कौन सा इफेक्ट है आप जब निकालोगे एसिड तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखोगे ना देखो तो लेस स्टेबल यहां पे होगा 1 2 3 अभी पढ़ा है ना थोड़ा देर पहले तो उल्टा चलेगा एसिड स्टेबल होगा उतना ज्यादा सब बताओ ये कौन सा इफेक्ट है मतलब वो हॉफमैन ब्रोमाइड वाला रेजोनेंस नहीं वो तो मैं बोल रहा हूं इफेक्ट है यार रिएक्शन प्लस माइनस प्लस अपॉन हां इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में रेजोनेंस वो ओ एलोन पे कहां एलोन लोन पर डबल बॉन्ड अबे लोन पर कहां कार्बन के टाइम के बाजू में जो इफेक्ट लगा है प्लस आई है माइनस आई है क्या ये है माइनस आई नहीं पता नहीं पता आज लिखा था माइनस आई जाए तो कार्बोकैटायन के साथ माइनस आई जाएगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी कम होगी अनस्टेबल होगा ना सबसे ज्यादा ए का हो गया हां बी सी डी हां बी सी डी हुआ है SN2 नोट करो इसका क्वेश्चन क्या था मतलब कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है रेट ऑफ SN2 रेट ऑफ
डन डन ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना अब दो ही पढ़ने एक न्यूक्लियोफिलिक दूसरे एलिमिनेशन रिएक्शन देखो रेडी होना वैसे नहीं मोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंट्रा मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंट्रा मॉलिक्यूलर दो चार पांच सीएल मान लो कोई एक न्यूक्लियोफाइल है ठीक है ये सीएल निकल जाएगा ना फर्स्ट टाइम पे जब जैसे ही सीएल निकलेगा 1 2 3 4 और इससे क्या जाएगा प्लस प्लस अब न्यूक्लियोफाइल है अब ध्यान से देख इस कार्बो के अटैक पर अटैक करने के लिए ये भी जाएगा इसके पास लोन पेयर है तो ये भी जाएगा तो वो कैसे जाएगा जाएगा ऑक्सीजन वाला बॉन्ड पेयर है मोस्ट स्टेबल लिखा है इसके पास लोन पेयर भी है ना रे ऑक्सीजन के पास तो जाएगा ना देगा ना मान ली ये सारे सारे घर में रह रहे हैं ये घर का मालिक है मिथाइल शिफ्ट हो के जाएगा नहीं नहीं रे रुक जा बे मिथाइल शिफ्ट होके क्यों जाएगा ये अपना मून पर डायरेक्ट इसको देगा रिंग बना लेगा अगर वो बनेगा तो ठीक है मान ली ये घर का मालिक है घर से निकला तो घर में चोरी करने वाले दो लोग हैं एक ये निकलो फाइल और एक ये तो घर वाला जो चोर होगा ज्यादा अच्छे से घर में चोरी करेगा ना उसको पता नहीं यार घर में कौन सी चीजें काम पे रखी है बाहर वाला चोर तो इंतजार में है ना जब मालिक निकलेंगे तो अपन जाएंगे लेकिन जो घर का चोर होगा वो तो पहले से ही रेडी होगा अगर 5:05 में निकलेंगे पहले से ही सारा प्लान सेटिंग कर रखा होगा वो ठीक है क्या होना है नहीं होना है तो बाहर वाला तो भी ये इंतजार करेगा कि वो निकला है तो अपन कैसे अंदर जाए लेकिन उसको तो सब पता है क्योंकि ये तो उसी घर में उसी चेयर में लगा हुआ है उसको हाँ तो इसीलिए ये बाहर वाला जो निकलो फाइल है ना इसको पर अटैक नहीं कर पाता ये कर लेता है तो देखो यहाँ पर टोटल 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा और बीच में आके ऑक्सीजन लग जाएगा इस पे एच और क्या प्लस बाद में हाइड्रोजन निकल जाएगा डीप्रोटोनेशन हो जाएगा तो ये 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा इसको ऐसे नहीं बोलते इंट्रा मॉलिक्यूलर इसी को बोलते हैं इंट्रा का मतलब सेम कंपाउंड का मामले हो गए स्कोर जानना स्कोर पता है मैंने तो देख लिया
इस बार देख तो लेते स्कोर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना बाकी सब में बीटा एलिमिनेशन तो उसमें भी आता है ये मॉडर्न फिजिक्स में ये दूसरा है एलिमिनेशन बस वो सेम है निकलना वो सेम है तो फिर तो फिर क्या अभी पढ़ा दिया क्या तो फिर देखना ये टेल टाइप जो होता है ये एक सबसे पहले वन वन एलिमिनेशन होता है इसका नाम होता है अल्फा एलिमिनेशन के नाम से एलिमिनेट होने वाले दोनों एटम जो होगा ना सेम कार्बन से होगा जैसे CHCl3 कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बेस आप यूज करवा लो एक एटम अगर निकाला आपने क्या बन जाएंगे ये CCl Cl एक और अगर आप निकाल दे तो ये डबल बॉन्ड दो वैलेंसी फ्री हुआ इसलिए मैंने दो इलेक्ट्रॉन लिख रखा है इसको ठीक है इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन और दूसरा होता है बीटा एलिमिनेशन वन टू एलिमिनेशन वन टू एलिमिनेशन इसको बीटा एलिमिनेशन के नाम से ये वाला पढ़ना है अपने ये इससे ज्यादा क्वेश्चन निकलने वाले आइटम एक एक पे होगा तो दूसरा दो पे होगा ठीक है फॉर एग्जांपल CH3CH2 Cl अल्काइल हैलाइड में अगर आपने फोलिक KOH लगाया तो Cl यहां से निकलता है और उसके बाजू वाले से हाइड्रोजन निकल जाते हैं ठीक है डबल बॉन्ड बन जाए हां एलिमिनेशन रिएक्शन है तो डबल बॉन्ड बने डीहाइड्रो हैलोजनेशन डीहाइड्रो हैलोजिनेशन CH2 और डबल बॉन्ड CH एक होता है 1,3 एलिमिनेशन इसको डालना इसका नाम देखना कोई दिक्कत नहीं गामा एलिमिनेशन दे देते हैं गामा ऐसे ही होता है क्या तो R जैसा R, हाँ ऐसे थोड़ी सी जगह होती है अब जो है वही लिखने गामा एलिमिनेशन ये CH2 पे Cl CH2 CH2 Cl अगर आपने जिंक डस्ट के साथ इसके हिटिंग करवा दी ना तो एक Cl यहाँ से यहाँ निकल जाता है दोनों पे फ्री रेडिकल बनता है इसका फ्री रेडिकल इसके फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड अटैच हो जाता नहीं नहीं जिम में ठीक ठाक है
उदय से ना नाम माना जाता है कि उदय सत्य है हम लोग के यहाँ यार। उस टाइम सिक्स में ही पढ़ते थे, पता नहीं आगे बहुत धोते थे थोड़े गुस्से वाले थे। जैसे ही क्लास में थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस हुई ना तो बस उधर से चिल्लाते हुए डंडे लगे, बोले कौन था कौन था कौन था, और कुछ करना नहीं होता था, तुम ऐसे नीचे लिखे रहो एक हाथ से बस ऐसे कर दो जिसके ऊपर हाथ किया उसको हॉक दिया क्लास के बाद फिर दोनों में झगड़े हो गए, बोले हम तो थे ही नहीं, आज तूने ऐसे क्यों किया हो गया डन नहीं सर। इसको बोले रेडी कर ये क्या है
बोले ना क्या ये वाला ये हाँ वो स्मोक वाला वो बल्ब के थ्रू ना आया तो एक ही जगह होती है वो नहीं मालूम एक उधर है उधर स्मोक डिटेक्टर नहीं है भाई ठीक है ना वो स्मोक डिटेक्टर तो बाहर है तो बेल की तरह था जो बजाने में नाली के ऊपर ही है सही में है देख ऊपर अरे इधर फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो है ना CH3 मैं एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ पहले राउंड में क्या होता है ना इसमें मतलब पहले स्टेप में ये RDS होता है तो यहाँ पे प्लस बन जाता है अब जो OH RDS रेड डिटरमाइनिंग स्टेप H जो H2O होता है ना ठीक है H2O अब ये ध्यान रखना यहाँ पे ये कार्बोकेट टाइम के पास H2O नहीं जाएगा अगर जाएगा तो फिर तो SN1 हो जाएगा तो करता क्या है ना यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है ना इसको हाइड्रोजन को ये ब्रेक करता है जैसे ही हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा